Hey guys, what's up everybody? This is Murugesh and welcome to my YouTube channel MG Zone. तो guys, आप सब कैसे हो? I hope आप सभी बढ़िया ही होंगे. तो guys, मैंने अभी ही मेरा एक vlog edit किया है और अभी फिर से मैं जा रहा हूँ family के साथ कोरवल. तो कल तो गया था मैं बड़े बहिल और आज फिर से जा रहा हूँ कोरवल. आज तो family के साथ जा रहा हूँ लेकिन पता नहीं कैसा vlog ये बनेगा. For the best, मैं पता नहीं काफी नर्वस हूँ family के साथ. A few minutes later. तो मैं अभी आ चुका हूँ कार में. तो आज हम कार लेके जाने वाले हैं क्योंकि साथ में फैमिली है इसीलिए. तो अभी यहाँ से हम जाएंगे धर्मपुर, मतलब बहन के यहाँ जाने वाले हैं. तो बहन और जीजू को भी साथ में ले लेंगे और उसी के साथ हम कोरवल जाएंगे. पूरी फैमिली ट्रिप है तो कार में ही जाना पड़ेगा. मोटर व्लॉगिंग को मिस करूंगा लेकिन कोई बात नहीं, आप फिलहाल इससे काम चला लीजिए. अभी क्या कर सकते हैं, फैमिली ट्रिप, समझ रहे हो ना. चलो तो गाइस फाइनली हम धर्मपुर यहाँ पर आ चुके हैं और रास्ता काफी खराब लगा यार, रास्ते काफी खराब थे. तो जैसे तैसे कैसे हम यहाँ पर धर्मपुर पहुंच गए मेरी बहन के यहाँ और यहाँ से हम लोग सारे जाएंगे कोरवल. तो कोरवल कोरवाड़ जो भी आप मतलब जो भी है उसका नाम, वहाँ पर जाएंगे. बारिश तो नहीं यहाँ पर, बारिश हो रही है लेकिन अपने यहाँ पर बारिश ही नहीं, सिर्फ यहाँ पर ही बारिश हो रही है और काफी अच्छा लगा वेदर देख कर. तो बस अभी थोड़ी देर में नाश्ता वास्ता करके निकलते हैं यहाँ से. चलो तो गाइस अभी हम धर्मपुर से निकलने वाले हैं. अभी बच चुके हैं एक, हम आज दो कार लेके जाने वाले हैं क्योंकि थोड़े से फैमिली ज्यादा है. तो एक हमारी i20 और एक बहन लोग की स्विफ्ट. तो इस गाड़ी में हम तीन जन हैं और पापा लोग जाएंगे स्विफ्ट में. चल तो गाइस यहाँ पर हम ऐसे ही ब्रेक लिया है, कोई पॉइंट का नाम नहीं है लेकिन यहाँ पर ऐसे ही मंदिर है और आप व्यू नीचे देख ही सकते हो, कुछ ऐसा लग रहा है पीछे का व्यू. लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, मेरे साथ जीजू है. तो यहाँ से हम उसके साथ ही जा रहे हैं कोरवल, मोटी कोरवल. कोरवल मैं कोरवल बोल रहा हूँ लेकिन कोरवड है, कोरवड. यहाँ से अभी 20 किलोमीटर बाकी है, हम धर्मपुर से निकले हैं. धर्मपुर से 35 किलोमीटर है अभी, अभी हमने 20 किलोमीटर जितना काट लिया है. अभी यहाँ से 15 किलोमीटर बाकी है. एकदम शांति से जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, पहुँच लेना है. तो गाइस यहाँ पर एकदम खूबसूरत यहाँ पर नदी जा रही है तो काफी अच्छा लग रहा है. एकदम सिंगल लेन रोड है तो आपको सामने से गाड़ी आ रही हो ना तो ओवरटेक करने में भी मतलब ऐसे फट जाती है, दिक्कत हो जाती है. लेकिन अभी हम स्लोली स्लोली जा रहे हैं. तो यहाँ पर काफी खूबसूरत नजारा यहाँ पर है. जैसे तैसे हमने गाड़ी चढ़ाई ऊपर, ये दो गाड़ी. तू नीचे से आया? सांस फूल गई है मेरी, सांस फूल गई. तो यहाँ पर ये दो गाड़ी
जैसे तैसे कैसे हमने ऊपर गाड़ी चढ़ाई। कैसा लगा गाड़ी चढ़ाना? बहुत भयंकर था। क्या मैगो कैसा लगा मैगो? बहुत ही डर लगा। चलो तो यहाँ पर ये भी कुछ ऐसा लग रहा है और जैसे तैसे गाड़ी हमने ऊपर चढ़ाई। हम नानी कोरवट से आगे अभी आ चुके हैं, अभी जा रहे हैं मोटी कोरवट। वहाँ से मतलब नानी कोरवट से 3 किलोमीटर हमें जाना पड़ेगा। और गाइस क्या ही तगड़े तगड़े घाट है। अगर आप सीएनजी गाड़ी लेके आना सोच रहे हो ना, यहाँ पर मत लेके आना, चढ़ेगी ही नहीं आपको डीजल या फिर पेट्रोल ही लानी पड़ेगी। अगर सीएनजी का आप सोचना भी मत। अभी हमारे यहाँ से एक गाड़ी गई है, इंजन में से धुआं निकल गया, जैसे तैसे कैसा चढ़ी। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि यहाँ पर सीएनजी गाड़ी मत लेके आओ। अगर बाइक हो ना तो मैं आपको बाइक प्रेफर करूंगा, आप बाइक लेके आओ। और आजू बाजू का नज़ारा काफ़ी तगड़ा है, तो आपको बेस्ट, आपकी पिकनिक भी आपको एंजॉयबल होगी। तो इसीलिए आपके कंफर्टेबल के हिसाब से आप गाड़ी लाना। चलो जराक। तो गाइस अभी हम पहुंच गए हैं मोटी करोल। आप देख ही सकते हो कुछ ऐसा एकदम खराब रास्ता ऑफ रोडिंग वाला, तो मजा आ रहा है काफी चलाने में। तो गाइस आपको जो मैं गाड़ी बता रहा था ना, तो वो ये गाड़ी है, उसका दम निकल गया था चढ़ते चढ़ते। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि सीएनजी मत लेके आना, समझ रहे हो ना। ऑफ रोड रास्ते में से जा रहे हैं अभी। A few minutes later. तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पर ये नागली है, जो कि आप देख ही सकते हो यहाँ पर उसकी खेती करते हैं। और आप पीछे का नजारा को देख सकते हो, कुछ ऐसा लग रहा है। तो यहाँ से आपको 300-400 मीटर आपको चल के जाना पड़ेगा। और ये मैडम तो मशरूम ही ढूंढती रहती है जहाँ जाओ वहाँ मशरूम ही ढूंढती रहती है। तो यहाँ पर आप सिर्फ बाइक लेके आओ, क्योंकि रास्ता काफी खराब है, तो आप समझ सकते हो ना। और पीछे का नजारा तो काफी गजब आ गया। जज है यहाँ पे। जज क्या? जज जीजस का? जज जजेंगे जजेंगे जीजस। तो देख सकते हो गाइस काफी खूबसूरत यहाँ से वो पिछली वादियाँ दिख रही। पिछली क्या, पाछड़ पाछड़ नहीं हो क्या? पीछा। हाँ हमारा गुजराती हिंदी मिक्स हो जाता है, समझा करो यार, समझा करो। तो गाइस फाइनली हम पहुंच गए हैं मोटी कोरवट। आप देख ही सकते हो आज बहुत सारा क्राउड है, आज संडे है ना, इसीलिए आप देख ही सकते हो इतना सारा क्राउड, जो कि अपने को नहीं पसंद है, लेकिन कोई बात नहीं, अपने थोड़ी प्लेस है। तो यहाँ से गाइस पीछे का नज़ारा काफ़ी तगड़ा लग रहा है, पीछे की जो वादी है ना वो भी दिख रही है। अपने पास बाइक होती ना मज़ा आ जाता, सच में बोल रहा हूँ। यहाँ पर छोटी सी दुकान भी है, अगर आपको कुछ खाना हो तो यहाँ पर आप ले सकते हो। चलो ठीक है। खाने को मिल जा रहा है, अच्छा रहेगा। हाँ भजिया मिल जाए तो मजा आ जाएगा। चाय और भजिया। चाय और भजिया।
બાળકો માટે છે ને તમારે ઘરેથી કંઈ બનાવીને લાવવાનું, આ બાળકો એમ તો સ્કૂલના જ બાળકો છે, તમે જાઓ ને ભણવા, ભણવા જાઓ ને, આ સ્કૂલના જ બાળકો છે, તમે જ્યારે પણ આ બધું ફરવા આવો તો આવા બાળકો માટે તમે ત્યાં લઈ આવજો નાસ્તો એવું. तो दोस्तों यहाँ पर मोटी कोरवट का कार्यक्रम ख़त्म हुआ और बहुत मज़ा आया यहाँ पर आकर. और गाइस ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उस पर भी क्लिक कर दीजिएगा. मिलते हैं नए वीडियो में, टिल देन बाय बाय.